आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने वाले हैं पेज नंबर 67, जिसमें आज हम पढ़ेंगे काउंट द मनी एंड राइट। आपको क्या करना है, रुपयों को गिने और लिखें। आपको पैसों को काउंट करना है और लिखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी एक एक्टिविटी में समझाया था, उसमें आपको मैंने कॉइन्स और नोट दोनों को मिक्स करके हमने कुछ अमाउंट बनाए थे, मतलब कुछ पैसे हमने बनाए थे, कुछ चीज़ें हमने खरीदी थी। सेम वैसे हम यहाँ क्या करना है, हमें पैसों को जोड़ना है। जैसे आप सबसे पहले देखिए, ये क्या है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है। तो क्या करेंगे हम, 5 + 2 = 7 कितना हो जाता है, 5 में 2 जोड़ते हैं कितना होता है, 7। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर 10 रुपये का ये नोट दिया है। कितने रुपए का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है और साथ में क्या है, 1 रुपये का कॉइन है। जब 10 रुपये के नोट में हम 1 रुपये का कॉइन और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 + 1 = 11। 10 + 1 = 11। 10 में 1 जोड़ा 11 और 10 रुपये में 1 रुपये और जोड़े कितने हो गए, 11 रुपये। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये देखो आपके पास क्या है, अब आपके पास आता है ये 5 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है और क्या है, ये 5 रुपये का कॉइन है। 5 रुपये के नोट में आपने 5 रुपये का कॉइन जोड़ा, टोटल हो गया 10, कितना हो गया 10। इसी तरह आपने क्या करना है, इन पैसों को जोड़ना है। नीचे आपके पास 3 और चीज़ें दी हैं, इन्हें आप जोड़ेंगे और इस नोटबुक के पेज पर सुंदर सुंदर राइटिंग में से लिखेंगे और मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजेंगे। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।